मेरे साथ एक भाई मौजूद है जिन्होंने लव मैरिज की और लव मैरिज करने के बाद अल्लाह ताला ने इनके घर पर बेटी पैदा की और बेटी पैदा होने के 3 दिन बाद इनकी बीवी इंतकाल कर गई। इनके घर वाले आज भी इनकी जान के दुश्मन बने हुए हैं कि इसने लव मैरिज क्यों की। शादी मैंने की है लव मैरिज आज को 15 साल पहले। लव मैरिज करने के बाद मेरा छोड़ा पै गया। मेरी माँ का चाचे का बेटा था, उसकी बेटी थी, वो मेरे से प्यार करती थी, मैं उसके प्यार करता था। हमारी जिदाई पै गई, एक बेटी मेरे पास है, जो तीर धक्के खा रहे हैं, मेरी जान के दुश्मन बने ने। आपने बाकी शादी की थी? जी हाँ। प्यार करना कोई जुर्म है? चाचे भी दुश्मन बन गए, ताए दे पुत्र बन गए, ताए दे जवाई ने दिल से खंजर मारा, चार टोके मारे, ना मेरा कोई कसूर है, ती लैके मैं धक्के खा रहे हैं, मुनु जीन नहीं देंदे है, दुश्मन बने ने मेरे आज दे दिन तक। दिल पे खंजर मार दिया, चार टोके मार दिया, सिर पे भी दुश्मन साढ़े बहुत सारे है, मेरे पापा को मारना चाहते है। तेरे पापा ने सर मेरी बहन से शादी क्यों की है? अल्लाह वास्ते करके सब कुछ ले लो, थां भी ले लो, सब कुछ ले लो, सारी दौलत ले लो, पर साड़ी जान छोड़ खुदा वास्ते। कहां के रहने वाले? जिला गुजरात शहर तहसील खारियां डाखड़ना लाला मूसा पिंड दुल्हा वाले का। मैं जवाई भाई था नाले नानका पार्टी था, उधरों दाद पोतरे ने उन्होंने मारने की कोशिश की थी। शादी कब की है? शादी मैंने की है लव मैरिज। कितने साल पहले? आज को 15 साल पहले। 15 साल पहले आपने लव मैरिज की थी? जी हाँ। लव मैरिज करने के बाद मेरा छोड़ा पै गया। लव मैरिज की शादी जो की है, लव मैरिज वो कजन थी के रिश्तेदार की बेटी ही? अच्छा, मामू की बेटी। जी हाँ। मेरी माँ का चाचे का बेटा था, अब उसकी बेटी थी, वो मेरे से प्यार करती थी, मैं उसके प्यार करता था। हमारी जिदाई पे एक बेटी मेरे पास है, अभी हम दोनों भाई प्यो तीर धक्के खा रहे हैं। दाद बीवी किधर है? बीवी फोत हो गई है ना। कितना टाइम हो गया? उसको 3 दिन की थी मेरी बेटी, अभी 8 साल की है। बेटी 8 साल की हो? हाँ जी। मतलब बेटी जब पैदा हुई है तो 3 दिन बाद इंतकाल हो गया। जी मैं अब धक्के खा रहे हैं, लैके दाद पोतरे धक्के मैं मारने, मेरी जान के दुश्मन बने ने। आपने बाकी शादी की थी? जी हाँ। तो बाकी शादी करना क्या जुर्म होता है? नहीं सर, प्यार करना कोई जुर्म है? प्यार करना तो एक बात है। चारी की तो डेथ भी हो गई है? जी हाँ। तो बाद चाचे भी दुश्मन बन गए, ताए दे पुत्र बन गए, ताए दे जवाई ने दिल से खंजर मारा, चार टोके मारे। दिल पे खंजर मारा? हाँ जी। क्यों? ये दादे जायदाद बेचने वास्ते, ना मेरा कोई कसूर है, ती लैके मैं धक्के खा रहे हैं, मुनु जीन नहीं देंदे है, दुश्मन बने ने मेरे आज दे दिन तक। एक मेरी भैन है, उन्हें थाने फिरोज वाले परचा कराया था, वो भी मैं राजीनामे करने के लिए तैयार हूँ। मेरी भैन कहती है मेरे भाई की जान को खतरा है, मेरा भाई बच जाए, मैंने कुछ भी नहीं चाहिए। इतने बहन भाई? दो बहन भाई हैं मेरी, एक बहन और एक भाई। हाँ जी। बहन आपको आपका साथ देती है? मेरी बहन मेरी मेरा साथ देती है, उसका नाम सुमैरा है, वो जसोगी में रहती है गुजरात के साथ। गुजरात से बाकी यहाँ पर लाहौर में आए अपनी जान बचाने के लिए। आप दोनों की जान के दुश्मन बने हुए हैं, वो मारना चाहते हैं? हाँ जी, हमको मारना चाहते हैं। दाद के दाद पोतरे हैं, चाचे के बेटे हैं, उसके बाद चाचे हैं मेरे, उसके बाद सरगोदे रहते हैं, वो भी दाद पोतरे हैं मेरे पापा के, वो भी मुझे मारना चाहते हैं। सर मैनू मार के बारशाह दे मेले से टोके छुरियाँ सुट दिता ही सुबह दे, मैं बच के अपनी भैन को चला गया। मेरी भैन ने थाने फिरोज वाले दरखास्त की, थाने पुलिस वाले कुछ भी ना किया, असी दोवें प्यो धी अपनी जान बचा रहे हूँ। मेरी भैन धक्के खा रही है, उन्हें बेचारी ने 28 कट्टियाँ कट्टे बच्चियाँ बच्चे बेच के मेरे पीछे लाए ने। बस बेटी जो है, बेटी को सारा वाक्या पता है? क्या नाम क्या आपका? जरका बेटी। मुझे ये बताओ कि क्या कहते हैं वो? ए ए असी गैसी कालकताई रोड ते मेले ते बारशाह दे, कहने ने नवा घोड़ा फेरन चलिए, कहने ने टायर लुए क्या कोई चीज़ नहीं। फिर वे क्या कि मेरे पापा के हेक पे दिल पे खंजर मार दिया, ते चार टोके मार दिया सिर पे भी। कौन था वो? मेरे बूते दाद पोतरे ते ताइयां ते फूफियां ते बेटे सन, ते उन्होंने मार के मेरे पापा को सूबे पे सूट दिया, ते मेरा पापा बचा के आपकी जान मेरे पास आया, ते इधर से फिर मैं अपनी पुप्पी से अपने पापा से ले गई। मेरी पुप्पो ने कटिंगा कट्टे बेचे ने, बड़े पैसे लाए ने मेरे, मेरा भाई बच्चे हूँ भी असी मेरे दुश्मन साढ़े बहुत सारे हैं, मेरे पापा के जान मेरे पापा को मारना चाहते हैं। मेरे पापा को इधर असी नस के आए हो, एक मेरे पापा को मार ना दे, उधर से सी नस के इधर लौट पे आए हो। मेरी भैन ने भी इतना जोर लगाया भाई, खुदा वास्ते मेरे भाई की जान का खतरा है, मेरे भाई का कोई भी नहीं दुनिया देसी, दो भैन भरावान माँ प्यो मर गया, तो खुदा वास्ते करके दो जाना दे वाली वास्ते करके सानू दो भैन भरा जीन का मौका दे। कौन जान के पापा की जान के दुश्मन कौन है? पुपिया चाचियाँ के बेटे हैं ना, ताइया के पुप्पो। आपको मारना चाहते हैं? हाँ जी। क्यों? आपने क्या जुर्म किया?
अभी वो कहते तुम मेरे तेरे पापा ने सर मेरी बहन से शादी क्यों की है। अच्छा शादी क्यों की है। हाँ ऊट से मारना चाहते हैं ते अल्लाह वास्ते करके सी तो कहते हैं साड़ी सब कुछ ले लो थां भी ले लो सब कुछ ले लो सारी दौलत ले लो पर साड़ी साड़ी जान छोड़ दो खुदा वास्ते कर। यानी कि आप लोगों की जो जायदाद वगैरह कितनी है। दादे का थां था उसके लिए हम लोग बहुत धक्के खा रहे हैं सर। ना मेरा कुछ चाचा ना जोर है ना ताए दे पुत्रा ना जोर है असि बहुत ज्यादा धक्के खा रहे हैं खुदा वास्ते हमारी जान को छोड़े। साले ने गए सी असी साले ने गए सी तो उन्होंने ऐसा नहीं सी दिता तो मेरे पापा नु मारने की जरूरत की है मेरे पापा को मार के सुमे में डाल दे है लगे। अच्छा आप चाहती हो कि आप लोगों की जान छोड़ दे मतलब कि जायदाद जो भी है जो भी आपके हिस्से में आती है वो रख लें लेकिन आप लोगों को छोड़ दें। हाँ साड़ी जान छोड़ दे किधर मर्जी सी जाइए ना जाइए। अच्छा साड़ी जान अल्लाह वास्ते करके साड़ी जान छोड़ दे। उनसे कौन है वो कौन है। साड़ी अल्लाह करके जान छोड़ दे दुश्मन साड़े मेरे पापा को थां ते मारना चाहते हैं इसकी चोर बनाते हैं सानू कहते तुम लोग की वैसे करते हो तुम बंदे कत्ल करते हो ऐसे करते हो ऐसे करते हो मेरे पापा को थां के मारना चाहते खुदा वास्ते करके मेरे पापा को ते मेनू छोड़ अल्लाह वास्ते करके छोड़ दो। मेरी पुप्पो ने कोल पुप्पो मेरे ने अपने बच्चों को बहुत प्यार करती है मेरे साथ ते मेरे पापा को मारना चाहते हैं इधर एक टोका ये वजह है एक टोका है देखो अदे ही वेगा है ना तीन यहाँ पर मारा है। हाँ यहाँ पर मारा है एक पीछे भी मारा चार टोके एक इधर खंजर मारा है ते आपके सामने नहीं मेरे सामने नहीं मारा। अच्छा मैं मेले ते सी मेले पे गई हुई थी मेरा पापा आया भाग के आया भाग के आपके पास और आपको लेके लाहौर आ गया। हाँ भाग के एथू ओपू के पुल बने मैक थाना फरोज वाले भी मेरे अबू का पर्चा है डीपी वाले आई। अच्छा मुझे ये बताओ कि यहाँ पर कहाँ रहते हो। सड़कों पे फुट बहनियों के लाइना पे सो जाते हो उन गुब्बारे बेच के अपना काम चलाते हो गुब्बारे बेच के कभी मांगा नहीं ऐसी ते अल्लाह वास्ते तनु काट के आखे सब। अच्छा मुझे ये बताओ कि खाना पीना कहाँ से। इधर ही कोई साड़ी ने सही चीज साइकिल चुक के लै गए ना गुब्बारों वाले तो फिर इतने लंगर वंडन आते हैं लंगर शंगर खा के तो फिर शीन चौक जाइए शीन चौक उधर एवं कराए तुम कल। आपकी एज कितनी है उम्र कितनी है। उम्र 8 साल। 8 साल है। 8 साल आपकी उम्र है और इतनी बातें करती हैं आप कैसे। बची दाना दाना ठोकरा खा के ना बुए थे ठोकरा खा के तो बदनासी हो जाता है। अल्लाह ये छोटी सी बच्ची है 7 साल की और दाना दाना खा के ठोकरे खा के इंसान को क्या दाना दाना खा के ठोकरे खा के बंदा गोल पत्थर बन जाता है। इतनी छोटी उम्र में और इतनी बड़ी बात। बच्ची मेरे पापा को मारना चाहते हैं ना फिर मैं अपने पापा को रोती रहती हूँ मैं भी रोती हूँ फिर मैं याद करती हूँ अपनी फुप्पो फिर रोंदी 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 दिल च गल्ला बनती रहनी है या अल्लाह मेरे प्यो का दुश्मन तोड़ जा या अल्लाह मेरे प्यो का दुश्मन तोड़ जा नहीं जान छोड़ रहे मेरे पापा की नहीं छोड़ते नहीं छोड़ते। चलो आज गवर्नमेंट से या किसी को भी जो कहना चाहती हो कह दो लोग आपको देख रहे हैं। मेरे पापा को मैं तुम्हें बोला अल्लाह वास्ते करके साडे दुश्मन साड़ी जान छोड़ गए बस नाम बताओ। आप क्या कहना है उनके नाम लेके बताएं कि आप क्या कहना। एक का नाम लोली है एक का नाम शबाज है एक का नाम मलंगी दूसरे मलंगी का नाम दोवें का नाम ही मलंगी दो मुंडे ने उन्होंने नाम है एक का नाम मलंगी एक का नाम शहीद है एक का नाम है पप्पू वो मेरे दादा अबू ने मेरे अबू के चाचे ने उसकी एक का नाम शहीद है ना एक का नाम पप्पू है तो किसने मेरे प्यो के हमला किया है उसका नाम उस दुश्मनों का नाम है एक का नाम लोली है एक का नाम शुबाज शुबाजा एक का नाम एक दो माँ के नाम मलंगी है बस। नादरी बच्चे मन के सच्चे बच्चे मैं कहती हूँ कि आजकल के बच्चे जो है ना झूठ नहीं बोलते बच्चे सच बोलते हैं और ये बच्चे जो कह रही है कि ये बिल्कुल सच कह रही है। आपने कुछ कहना है कोई पैगाम देना है। जी सर मैं अभी तक शादी नहीं की है मैंने लव मैर में शादी की थी मैं सिर्फ अपनी धी को बचाना चाहता हूँ अपनी भैन भनोजे को बचाना चाहता हूँ मेरी खुदा के लिए गवर्नमेंट के लिए दरख्वास्त ये मेरे चाचे भी और मेरे ताए के बेटे भी खुदा के लिए हमारी जान छोड़े।
नाजरीन आपने इनकी बातें सुनी हैं तो इनका यही कहना है कि हमें कोई जायदाद नहीं हमारी चाहिए, जो हमारे हिस्से में आता है हमें कुछ भी नहीं चाहिए, बस हमारी जान के जो दुश्मन बने हुए हैं वो हमें छोड़ दें, हमारे हाल पे छोड़ दें, हम लोग जहाँ मर्जी जाए। इससे बढ़ के और क्या होती है कि उन्होंने अपनी जायदाद लेने से मना कर दिया। वो बाप बेटी दोनों खुश रहना चाहते हैं, सबसे अलग खुश रहना चाहते हैं, तो उनको खुश रहने दें। और ये इनका ये कहना है कि हमारी जान के दुश्मन ये हैं, हमारे मतलब हमें मारने के लिए यहाँ पर आ सकते हैं, कल को हमें कुछ होता है तो जिन लोगों का ये नाम ले रहे हैं इन्होंने ही हमें मारना है। तो ये रिकॉर्डिंग आपकी हो गई है, वैसे भी आपकी सारी बात रिकॉर्ड हमने कर ली है, कल को कोई भी मसला होता है हम आपके साथ हैं, आपने हमें बताना है। बाकी नाजरीन मैं यही कहना चाहूँगी उन लोगों से कि आप अपनी जायदाद जो भी अपने पास रखें, लेकिन इन मासूम बच्चों की, ये मासूम बच्ची की जान छोड़ दे ताकि वो अपने खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दे, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।